अरे बड़ी, कल तो सुहाना का पग फेरा है ना, तो सारी तैयारी कर ली है ना। भाई देखो, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुहाना इस घर की शान है, अब उसका भी सर अपने मायके में ऊंचा रहना चाहिए। बड़ी प्यारी बच्ची है सुहाना, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे कर्म होंगे हमारे शान के जो उसे सुहाना जैसी बीवी मिली। अच्छा, मिठाइयाँ कितनी मंगवाई? मैंने आलोक को बोल दिया है, माँ कल लेकर आएगा। अरे कह तो दिया, लेकिन जरा खुद भी देख लेना, आलोक के भरोसे मत रहना। पता है ना, अपने बाबूजी की तरह कंजूस है, 2 किलो मिठाई हाथ में थमा के कह देगा जाओ। अरे ये क्या बुराइयां हो रही मेरी? अरे बुराई कहाँ कर रही थी, मैं तो तेरी कंजूसी की बात कर रही थी बस। अच्छा, कंजूसी की बातें बुराइयां नहीं होती ना? वाह जी वाह, कमाल है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सुनने को मिल रहा है। अरे भाभी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं मेरी तरफ से, बोलिए ना। अरे हाँ, बताना भूल गया, गाजियाबाद वाली जो मौसी है ना, कमला मौसी, वो मिली थी मार्केट में। वो कह रही थी कि ईशान और सुहाना वो घर पे लेके आना डिनर पे। लो कल लो बात, अरे वो हमारी इतनी करीबी कम से हो गई। लेकिन माँ, ये डिनर का चक्कर क्या है? मैं बताती हूँ तुझे। अरे वो कमला जानती है कि सुहाना बहुत बड़े घर से, तो अपने बेटे के लिए सुहाना की छोटी बहन को ताड़ लिया होगा उसने, जब भी कर रही है ये आओ भगत। ना, कोई जरूरत नहीं है सुहाना को किसी के यहाँ भेजने की। जो हुकुम। लेकिन माँ, ऐसा लगता है कि आप सुहाना को खजाने की तरह छुपा के रखना चाहते हो। और नहीं तो क्या, मेरी सुहाना किसी खजाने से कम है क्या? अरे पूरी दिल्ली 6 में मिलेगी कोई उसके जैसी तुम्हें, हैं? क्यों बड़ी? सुना भाभी? अरे क्या कह रही है माँ? अब क्या ये लगे पड़े हो काम में, चुपचाप हो, कुछ बोलते ही नहीं। हाँ, तब से मैं ही बोले जा रही हूँ, नहीं सुन तो रही हो सारी बातें? नहीं, मुझे तो लग रहा है आप सुन भी नहीं रही है। नहीं, एकदम सच सच बताइए, बात क्या है? हाँ? नहीं भाभी, कोई तो बात है, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अरे छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है, क्या छुपाऊंगी मैं? शादी वाला घर है, इतने सारे काम पड़े हैं, बस यही चल रहा है सब कुछ दिमाग में, किसी को कुछ देना छूट तो नहीं गया, थक गई हूँ मैं। भाभी, आप अभी तक शादी के काम में लगे हुए हो? अरे अभी तक तो ईशान भी भूल गया होगा कि उसकी शादी हुई है। क्या कह रहे हो आलोक, शादी कोई भूल जाने वाली चीज है? लेकिन बहू, कुछ तो है, देखो ना तुम्हारा चेहरा कैसे फीका पड़ रहा है। भाभी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आलोक, कह तो रही हूँ कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं सुन रही थी, सुहाना किसी खजाने से कम नहीं है, अच्छी चीजों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, हमें उसे संभाल कर रखना होगा, है ना माँ? हाँ, और नहीं तो क्या। संजू, डॉली, दलजीत, गोपी काका। अरे सुहाना आ गई है, तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? मैं ऑफिस से पहले चला आता। डैड, दीदी नहीं है। नहीं है मतलब वो चली गई? पर सुहाना दीदी आए कब थे? ये पर्स, ये तो ना मैं सुहाना की हर एक चीज पहचानता हूँ, ये पर्स कहाँ से है? ये पर्स वो ससुराल थोड़ी लेके गए थे, ये तो मैं सफाई कर रही थी ना, तो गोपी काका ने आवाज दी तो यही रह गया। ओह,
आप दीदी को बहुत मिस कर रहे हैं ना? आ जाएगी ना दीदी? कब आएगी वो? उसने फोन किया है, बताया है कि वो कब आ रही है? वो यहीं आ रही है ना? डैड, सुहाना दीदी आ रहे हैं। मैं उनके कमरे की चद्दर ठीक कर देती हूँ, पर्दे शर्दे बदल देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। डैड, आप ही नहीं, हम सब बेचैन हैं दीदी से मिलने के लिए। आपको पता है गोपी काका रोज उनके लिए फूल ले आते हैं और डॉली दीदी रोज उनका मनपसंद डिश बना देती है। दो दिन में सबका ये हाल है। कल पग फेरे है ना, आ जाएगी दीदी। कल? मैं एक काम करता हूं, कल ना मैं सुहाना को एक एसी गिफ्ट कर देता हूं। नो डैड, ये ठीक नहीं रहेगा। राइट, घर में और भी लोग हैं, एक नहीं 6-8 एसी गिफ्ट कर देता हूं, हर कमरे में लग जाएगा आसानी से। डैड आप क्या कह रहे हैं, चीजों की फैमिली को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। याद है एक बार रात में जब सुहाना के कमरे का एसी खराब हो गया था, क्या किया था सुहाना ने? दीदी शट अप, मेरे साथ बहस मत करना, मेरा मूड बहुत खराब है। बेटे गुस्सा नहीं करते, बहुत गुस्से में है। अब इस वक्त मैं मैकेनिक कहां से लेकर आऊं? ऊपर से कोई दुकान भी तो नहीं खुला है कि मैं जाके एसी खरीद कर लगवा दूं। दीदी तुम मेरे या डैड के कमरे में क्यों नहीं सो जाती? नो, मुझे किसी के साथ नींद नहीं आती। तो तुम अकेली सो जाना, मैं या डैड गेस्ट रूम में सो जाएंगे। That's a good idea. सुनो, तुम ना मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, वहां का एसी बहुत ठंडा है, तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। नो, मुझे मेरे ही रूम में सोना है, मेरे ही बेड पर, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। अब क्या करें? एसी के बिना सुहाना सोएगी कैसे? सुहाना, अरे चौको मत, मैं ही तो हूं। तुम अपने कमरे के बाहर क्या कर रही हो? बहुत गर्मी है, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो दम घुट रहा था। दम घुट रहा है, गर्मी लग रही है, तुम्हारे कमरे का पंखा नहीं चल रहा है क्या? और ये ईशान को देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहा है, अभी खबर लेती हूँ उसकी मैं। नो आंटी। माँ, फैन है, चल रहा है, फिर भी गर्मी लग रही है। मैं ऐसा करती हूँ, कल ना तुम्हारे कमरे में दूसरा पंखा लगवा लेती हूँ। सिरहाने के पास टेबल फैन रहेगा तो हवा सीधी तुम पर आएगी, ठीक है? आप प्लीज इतना टेंशन मत लीजिए।
मुझे एसी में सोने की आदत है. इट्स ओके, आई विल एडजस्ट. मुझे बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाइए. ओके, गुड नाइट. गुड नाइट. बेचारी सुहाना गर्मी के मारे सो भी नहीं पा रही है. ये तू अब तक जाग रहा है, सोया नहीं अब तक? यही सवाल मैं आपसे करूं तो? मैं बस सोने जा ही रही थी. अच्छा, मैं आपको ये पैसे देने आया था, इसे रख लीजिए. कल सुबह गाड़ी वाला आएगा ना, उसे दे दीजिएगा. मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा. इतने सारे पैसे गाड़ी वाले को? अरे नहीं, सारे पैसे नहीं बाबा. 12,000 रुपए देने गाड़ी वाले को, 6,000 रुपए देने वो जिसने वो फूलों की डेकोरेशन की थी ना उसको, और बाकी के 2,000 वो अरे जिसे मैं बांधा था आपने हमें किसी से भी पैसे उधार नहीं मांगने पड़े, सब हो गया. शुक्र है भगवान का. सच, आलोक ने और तुमने भी. हाँ बेटा, दोनों ने अच्छे से संभाला सब कुछ. अरे पर एक कमी रह गई. कौन सी? अरे वो इलेश ने और मैंने ना वो 12 डब्बे पटाखों के लिए लिए थे, वो नहीं छुड़ा पाए हम. क्यों? अरे चाचू ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वाजपेयी अंकल को अच्छा नहीं लगा इसलिए मत छुड़ा. हाँ सो तो है, बड़े लोग हैं, शायद ध्वनि प्रदूषण पसंद ना हो. अरे क्या ध्वनि प्रदूषण, शादी में सब चलता है माँ. लेकिन एक बात है, कुल मिला के मतलब ईशान की शादी में ना मजा आ गया, मतलब एक यादगार शादी बन गई उसकी. भले देर से हुई लेकिन दुरुस्त हुई. उसके वो चेहरे पे सेलो टेप और वो इलेश का नागिंडा. लेकिन इंदर अब उसकी शादी हुई है, अब ज्यादा तंग मत करना उसे. अरे कहाँ तंग करते हो, तो ऐसे ही मजाक करते हैं उसके साथ. अच्छा सुहाना हमारे घर में खुश तो है ना? बस सब लोग खुश रहे, भगवान करे किसी को कोई तकलीफ ना. अच्छा अब आप सो जाइए, मैं चलता हूँ. गुड नाइट. अरे अरे बताना ही भूल गया, वो क्या है ना, अगले महीने से मेरी सैलरी थोड़ी कम आएगी. वो ईशान की शादी के लिए थोड़ा सा एडवांस लिया था ना, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके कटता रहे तो पता नहीं चलेगा. नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं ओवर टाइम करके मेकअप कर लूंगा. क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? देख रही हूँ मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है, बिल्कुल अपने आलोक चाचू की परछाई बन के रह गया. आप ही तो कहती है ना मां, जब जिम्मेदारी आती है तो सब ऐसे हो जाते हैं. हाँ पर ये जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही जल्दी डाल दी हमने तुम पर, तकलीफ तो हुई होगी ना? तकलीफ तो हुई, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आपकी वजह से नहीं. उस आदमी की वजह से जिसने हमारी सारी खुशियां छीन ली. क्या क्या सपने दिखाए थे उसने, मैं जो भी कर रहा हूं परिवार की खुशियों के लिए कर रहा हूं, यही कहा था ना उसने. परिवार को सीढ़ी बना के खुद तो तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंच गया और हमें
सो जाए इंदर, थक गया है। आपको नींद आती है माँ? पापा की अरे कहाँ है के पापा? कोई नहीं है वो, कुछ नहीं है। ठीक हूँ बेटा, तुम्हें इस वक्त इंदर के साथ होना चाहिए। जा, मैं ठीक हूँ। अच्छा लिसन, मैं दोपहर तक ना घर पे पहुंच जाऊंगी, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे बिल्कुल फॉर डिनर। पक्का? और हम लोग मतलब? तम्बो, हम लोग मतलब तुम, मैं और सुधी। नो 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 ईशान, ये हुई ना बात। सुहाना तुम तेज ही नहीं स्मार्ट भी हो। ये मुझे पता है। ओके टेल मी समथिंग आई डोंट नो। सुहाना तुम यहाँ एक दो दिन तो रुकोगी ना? ऑफ कोर्स। परसों सिरी फोर्ट में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है एंड तुम्हें आना है। ऑफ कोर्स चलेंगे यार। इनफैक्ट मैं अच्छा मैं तुमको शाम को डिनर पे मिलती हूँ। ओके ओके बेब्स, बाय बाय बाय। आप कुछ कह रहे थे राधा बुआ? नहीं, तुम्हारी पैकिंग में मदद कर दूँ? पैकिंग? नो नो, मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ईशान किश सो स्टूपिड, मैंने ईशान की शर्ट अपने सूटकेस में रख दी। तुमने ईशान के कपड़े नहीं रखे? वो भी तो जा रहा है तुम्हारे साथ। वो भी जा रहा है? हाँ। बट मुझे पता नहीं था ना वो क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, तो नहीं की। मुझे पता है, मैं ईशान के कपड़े दे देती हूँ, तुम इसी सूटकेस में पैक कर लो। और हाँ, ये कपड़े भी पैक कर लो। ये किसके कपड़े? पहली बार मैके जा रही हो, खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। ये कुछ घर वालों के लिए और गोपी दादा, क्या नाम है उसका, डॉली के लिए। उनके लिए? उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, दादा दादी को बोलो, उन्हीं की तरफ से है ये सब। ईशान के कपड़े कहाँ हैं? ईशान के कपड़े उस सूटकेस में पड़े हुए हैं, कबर्ड में जगह ही नहीं बची। ईशान के लिए जगह ही नहीं बची? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।